नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या में बनने वाले नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अयोध्या हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट से पहले चरण में ATR 72 विमानों का संचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपना अनुमोदन दिया है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट के विस्तार की कार्यवाही चलती रहेगी। एयरपोर्ट से एयरबस और अन्य बड़े यात्री विमानों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों में भारतीय मूल के नागरिक और अप्रवासी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। वे अयोध्या आकर भगवान राम के भव्य मंदिर का दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की खरीद के लिए जिला प्रशासन को 1000 करोड़ रुपये दिए है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेजी से चल रही है। अब तक 377 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट से जल्द हवाई सेवाओं का संचालन शुरू कराया जाएगा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहले से संचालित हैं, जबकि कुशीनगर में बनाए गए हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा योगी सरकार के प्रयास से गत वर्ष मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले एयरपोर्ट से ATR 72 विमानों का संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित ही अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन को सहज और सरल बनाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही अनोखी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।